मतलब बजाज का कोई भी गाड़ी रहे, एक बहुत प्रीमियम गाड़ी है बजाज की, ठीक है ना, और प्रीमियम गाड़ी होने के बावजूद भी इसका जो गियर बॉक्स है वो ठक ठकाटक ठक ठक करता रहता है। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Again, I am going, but this time new थाना रहेगा और maybe कि नए लोग मिले, नए थाने जाना मिले। So this time I am going द्वारका और थोड़ी सी details मैंने WhatsApp पे देखनी है जो भेजी गई है। यार हर जगह ही दरवाजे रास्ते बंद कर रखे हैं, तो पहले से लेट हो रहा हूँ और लेट हो जाऊँगा। सो वहाँ पर भी ड्रोन सर्विलांस करना है, बट थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है मौसम का और हवा का, लेट्स सी, क्योंकि हवा ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ड्रोन जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा और फुटेज जो है वो अच्छी नहीं आएंगी। सो लेट्स सी, चाय नाश्ता करके निकल गया हूँ। पिछली बार जो कैमरा एंगल आ रहा था थोड़ा सा तिरछा आ रहा था, मेरी कोशिश ये है कि कैमरा एंगल ठीक कर दूँ, टिल्ट हो रहा था एक्चुअली। यार हर जगह के तो रास्ते बंद कर रखे हैं यार, देखो अभी एलिवेटेड रोड है, ये बंद कर रखा है, कैसे बंदा टाइम पे पहुंच पाएगा। और इसी इसके एलिवेटेड रोड के चक्कर में मैं यहाँ से आया था। दस चालीस हो गए, ये 10:40 हो गए, मेरे को 10:30 तक पहुंचना था। यार आइडिया नहीं था ना, क्योंकि बोला था कि भाई नेक्स्ट अपडेट देंगे आपको कब जाना है, और मुझे आधे घंटे पहले बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पहुँचना है। अब मैं उठा हूँ, नहाया हूँ, नाश्ता किया है, कपड़े पहने और ये GoPro सेटअप वगैरह लगाया है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो जाता ही है। आवाज़ भी मेरी अभी ऐसी हो रही होगी जैसे मैं रिसेंटली उठा उठाई हूँ, तो वो इसीलिए ही है, आवाज़ भारी हो रही है ना। तो चलो थोड़ा सा आगे पहुँच के बात करता हूँ। क्या खुशबू आ रही है, आ गया आ गया आ गया, पीरागढ़ी वाला नाला आ गया। ये रहा वो फेमस नाला, ये मिरर्स मैंने आज ज्वाइन कर रखे हैं, इसलिए ज्वाइन करे हैं यार क्योंकि गाड़ी जहाँ खड़ी होती है मेरे फ्रेंड के घर पर, अभी मैं अपने नीचे पार्किंग ढंग की बनाने वाला हूँ, वो पल्सर तक के लिए ठीक थी, बट ये बाइक उसमें नहीं आ पाएगी, मेरी डोमो उसमें नहीं आ पाएगी, तो उसको मेरे को थोड़ा सा ठीक करवाना पड़ेगा अपने गैराज को। तो अभी मेरे फ्रेंड के यहाँ खड़ी होती है तो स्पेस की प्रॉब्लम है, दरवाजों से अंदर जाने में प्रॉब्लम है, तो इसको मैंने ज्वाइन करके रख लिया था ऐसे करके, क्योंकि खड़ी भी करता हूँ तो ज़्यादा जगह घेरती है, एक ईंट मुझे लगानी पड़ती है इसके स्टैंड के पीछे ताकि स्टैंड मतलब खड़ी रहे ठीक से, क्योंकि ज़्यादा मेन स्टैंड मतलब जो इसके साइड स्टैंड पे लगाता हूँ तो ज़्यादा झुक जाती है गाड़ी, इंक्लाइन हो जाती है तो ज़्यादा जगह घेरती है। सो माई ओडो हैज़ कम्प्लीटेड एंड क्रॉस्ड 500 किलोमीटर्स, सही है, चलो ये तो होना ही था। बट एक प्रीवियस वीडियो के कमेंट में कहा था कि भाई आप 500 से लेके 750 किलोमीटर, 700 किलोमीटर तक में
सर्विस करा सकते हो तो 700 किलोमीटर परमिसिबल है, क्योंकि यार देखो ज़्यादा गाड़ी चला दी तो नुकसान अपना ही है। जो कंपनी वाले क्या है, सर्विस नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि यार आपको जब इतना टाइम था तो उतना ही गाड़ी चलाना चाहिए था, ज़्यादा नहीं। अब जो भी नखरे वगैरह करने लगे हैं क्या फ़ायदा, तो मैं एक्सीड नहीं करने वाला हूँ और 700-750 तक मैं चलाऊँगा। और यार जितनी दूर मेरे घर से ये है ना, तो मेरे को लग रहा है रोज़ 100-100 किलोमीटर जाएगा, तो फ़ायदा ही क्या। 100 किलोमीटर तो नहीं, आने जाने में मुझे लगता है कि 70 किलोमीटर तो हो ही जाएगा, क्योंकि यार द्वारका आया हूँ आज मैं, वैसे वसंत विहार जा रहा था, कापसहेड़ा जा रहा था, आज द्वारका आया हूँ, सो लेट्स सी। और यार इसके मतलब बजाज का कोई भी गाड़ी रहे, एक बहुत प्रीमियम गाड़ी है बजाज की, ठीक है ना, और प्रीमियम गाड़ी होने के बावजूद भी इसका जो गियर बॉक्स है वो ठक ठका ठक 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 करता रहता है, गियर बदलूंगा ठक, मतलब कभी कभी मैं मानता हूँ कि आवाज़ नहीं करता भाई, बहुत हल्की आवाज़ करता है, अच्छा नहीं लगता ना यार कि अपने गाड़ी आपकी देख के कोई इम्प्रेस हो रहा है और जब आप गियर लगा रहे हो तो बोलता ठक। हाँ ये मज़ा आता है, मतलब जब पिकअप लो ना अच्छा तो गाड़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है और अच्छे से आपको प्यार से आगे लेके चलती है। ये जो लो एंड रहता है ना इसका, इन गाड़ियों का जो लो एंड है, ये मैं एक ऐसी जगह आ गई है, एक तो द्वारका और नोएडा वगैरह में आने में ना डर लगता है कहीं कोई लूट ना ले। बट हाँ यार अभी योगी जी के आने से यूपी में कुछ सुधार तो हुआ ही है। यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट, चलो गाइस मैं पहुंचने वाला हूं, अपडेट देता हूं अगर कुछ रिकॉर्ड कर पाया आपके लिए, फुटेज वगैरह या ब्लॉग वगैरह कर पाया तो कोशिश करूंगा आपको कुछ दिखाने की, नहीं तो अपन लोग मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद रिटर्न के टाइम में। लेट्स सी इफ आई कैन रिकॉर्ड समथिंग फॉर यू, लेट्स सी। चलो मिलता हूँ फिर थोड़ी देर में, बाइक पर। पंजाब नेशनल बैंक कितना बड़ा, अबे भाई पूरे पंजाब का नेशनल बैंक इधर आ गया क्या, अभी तो मेरे को ये भी नहीं पता मैं हूँ कहाँ पर। लेट्स सी आगे जाकर मैप चेक करता हूँ, ये आ तो गया कुछ उपायुक्त जिला द्वारका। We are at उत्तम नगर एंड माय एरोप्लेन इज रेडी टू गेट फ्लाई और लेट्स सी इफ एनी अपडेट आई गेट। आई हैव स्टॉप्ड स्ट्रीमिंग। एक्चुअली क्या होता है, जो हम यहाँ से ड्रोन के थ्रू जो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम के थ्रू जाता है DCP ऑफिस में, और वो लाइव देख सकते हैं जो भी हालात चल रहे हैं रोड पर और किस तरह के सिचुएशंस हैं, कितने लोग रोड पर जमा हो रहे हैं, डिप्लॉय करें ना करें, पुलिस को आगे भेजें ना भेजें।
तो लाइव स्ट्रीमिंग चलती है। तो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा रिस्क पे तो हम लोग काम कर ही रहे हैं कि यार उस स्पॉट पे जाते हैं, कुछ हॉटस्पॉट वगैरह बना रखे हैं वहाँ से और आगे चलते हैं। तो लेट्स सी अभी डीसीपी साहब की क्या ऑर्डर रहते हैं इसके बाद। सो गाइस अब फ्री हुआ हूँ, टाइम हो गया 8:12 और अब जा रहा हूँ घर। शीशे मेरे डोले दिख रहे हैं, चलो अब घर निकल रहा हूँ मैं। डाटा कॉपी करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, अब चलते हैं अपने घर की तरफ को। यार थोड़ी सी मेहनत तो लगी रही है अब इसके अंदर, पर ठीक है यार, खाली बैठने से तो अच्छा ही है। बाइक की लाइट अमेजिंग है ना, जगास। लाइट कैसे कर रही है डिस्को डांसर, टिंग डिंग 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 डिंग। सो वीडियो को एंड करने से पहले कुछ बातें कर लेता हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग द लव टू माय लास्ट वीडियो। मैंने कहा था कि यार मेरे को 1000 सब्सक्राइबर करने में हेल्प करें, और जो भी वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब कर रहा है, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही हेल्प करते रहें और मुझे एनकरेजमेंट मिलती है जब आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं वीडियो को, कमेंट करके बता रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भला कर रहे हैं मेरे लिए, और हम लोग अपने पूरे देश के लिए भला कर रहे हैं। यार यार लाइट्स देखो क्या लाइट्स में करंट आ रखा है पूरी तरह से। गाइस थोड़े टाइम पहले मैं राइडर्स को देखता था, डोमिनार लेके चलते थे, लंबे लंबे स्टेट्स में जाते थे, लाइक दीपक गुप्ता फ्रॉम एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर, और बाकी लोग भी हैं जो मैं हर एक यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगा जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, उन्हीं का ही नाम ले रहा हूँ। तो वो लोग अपनी डोमिनार पे लंबा लंबा जाते थे और काफ़ी जगह घूमे हैं, दूर दूर घूमे। तो मैं उनकी वीडियोस देखता था, काफ़ी मज़ा आता था यार। मैं सोचता था कि कब वो दिन आएगा जब मैं भी इनकी तरह जाऊंगा, निकले करूंगा, और कब वो सपना पूरा होगा। तो वो सपना तो पूरा हो ही रहा है खैर, बट वो थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम हुई है जो हुई है। चलो वीडियो को मैं अब एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। कुछ भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में कमेंट करके बताएं, और आपके इलाके में किस तरह से फॉलो कर रहे हैं लोग, किस तरह से नहीं कर रहे हैं कमेंट पर बताएं। मुझे भी पता चलना चाहिए कि भाई जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियोज़ देखते हैं, उनके इलाके में कैसा चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कोई ड्रोन उन्होंने उड़ते हुए देखा जो सर्विलेंस के लिए आ रहा है। तो चलो गाइस वीडियो को एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और थैंक यू फॉर मेकिंग माय लास्ट वीडियो हिट। अभी तक जैसे मतलब मैं देखता हूँ तो हिट ही है वो, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं उस पर और आप लोगों का प्यार मिल रहा है, और सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट मैंने करी थी, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं लोग, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।